ये कि मौलाना फजल रहमान साहब को आखिर फाटा रिफॉर्म से मसला क्या? हसन, आपसे बात करूंगा, उसके बाद फिर तुरी साहब से। थैंक यू वेरी मच अवैस भाई। असल में अभी मैं अपने प्रोग्राम से होके आया ना, मुझे जब बताया गया कि थोड़ा सा पब करते हैं, मैंने कहा आई एम रेडी, अभी प्रोग्राम से होके मैं आया हूँ, और वो भी इसी इशू पे। और यही सवाल बिल्ली में मेरे साथ प्रोग्राम में जी जमाल साहब थे, अखुन साहब चट शाहजी गुल अफरीदी साहब थे, और समझ में आया नहीं आया मसला क्या है। अभी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने ये सवाल किया कि आप तीनों मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते क्या हैं। और यही सवाल आपको साजिद तूरी साहब से भी पता चलेगा कि किसी के पास कोई जवाब नहीं। क्योंकि देखिए, मौलाना साहब की नैरेटिव को देखें, किस तरह उसको उसके एक होती है ग्राउंड होती है, एक पोजीशन होती है, इसी पोजीशन से पहला जो 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 ज़्यादा वो करते हैं कहते हैं ये अमेरिका की साजिश है। मतलब ये कि अमेरिका ने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि फाटा को मार्च करो, मतलब ये कि खैबर पख्तूनख्वा में, और ये अमरीकी चाहते हैं कि कबाइल की 125 साल जिंदगी, अभी आप सुन ले, 125 साल पहले फाटा में पहला कानून आया था, आउटरेजियस मर्डर एक्ट, एफसीआर से पहले, जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। मतलब वही 125 साल वाला नंबर। दूसरा उसका है कि बताया जा रहा है कि कबाइल से क्यों पूछे, मतलब ये कहते उसने ये बात कही अभी जलसे में कि मुझे ये कहा गया कि कबाइल होते कौन है कि हमसे हम उनसे पूछे, कहते मैं वाहिद बंदा हूँ जो आपसे पूछ रहा हूँ। असल में मसला ये है, वैसे भी हमें थोड़ा सा वाइडर परस्पेक्टिव में इसको देखना होगा, मौलाना साहब की स्टांस को। अगर मौजूदा हुक्मरान जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले वो चाहते हैं।